नमस्कार, आप देख रहे हैं जीओवी न्यूज। तो वक्त हो गया है सुबह की ताजा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंच रहे। आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को आरोपी नंबर वन बनाने की तैयारी, नौकरशाहों पर भी गिर सकती है गाज। आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को आरोपी नंबर वन बनाने की तैयारी हो रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नौकरशाहों पर भी गाज गिर सकती है। एफआईपीबी से जुड़े 5 अधिकारियों को भी आरोपी बनाने की तैयारी हो रही है और इन 5 अधिकारियों के बारे में चिदंबरम से पूछताछ हुई है। उन्होंने हर अधिकारी के रोल के बारे में पूछताछ की गई है। ये 5 अधिकारी इस मामले की साजिश में शामिल थे। इन्होंने इसमें नियमों का पालन नहीं किया है। पी चिदंबरम ने पूछताछ के दौरान 7 से 8 अधिकारियों के नाम लिए थे। भूखमरी से लड़ेगा मोदी सरकार का भोजन बचाओ भोजन बांटो खुशियां बांटो अभियान। खाद्य नियामक ने विभिन्न प्रतिष्ठानों और रेस्टोरेंट में भोजन की बर्बादी रोकने और भोजन दान करने को प्रोत्साहन करने के लिए नियम तैयार किया है। एफएसएसआई ने एक रूल बनाया है जिसके जरिए भारत में खाद्य पदार्थ दान देने को वैध माना जाएगा। इन नियम का उद्देश्य उन संगठनों और व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए एक समान राष्ट्रीय नियमन स्थापित करना होगा जो सौहार्द के साथ भोजन दान कर सकते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का यह जरूरतमंद व्यक्तियों को वितरण के लिए गैर लाभकारी संगठनों को भोजन और किराना उत्पादों को दान करने को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगा। यह नियम 1 जुलाई 2020 से अमल में लाया जाएगा। आपको बता दें कि भारत दुनिया से सबसे दूसरा बड़ा भोजन उत्पादक देश है, लेकिन वैश्विक भूख सूचकांक 2014 में भारत दुनिया के 119 सबसे ज्यादा भूख पीड़ित देशों की सूची में 103 नंबर पर रहा है। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीटीपी को बड़ा झटका, बड़े मुस्लिम चेहरे सहित 8 लोग बीजेपी में शामिल। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के बड़े मुस्लिम चेहरे अनायत अली सहित 8 लोग जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा परिषद के सभापति हाजी अनायत अली सहित कारगिल के प्रमुख नेता सोमवार को बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इन नेताओं ने बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात कर बीजेपी ज्वाइन की। आपको बता दें कि अनायत अली सहित कई नेता पीडीपी के हैं। ऐसे में इन नेताओं का बीजेपी ज्वाइन करना पार्टी को बड़ा झटका है। बीजेपी ज्वाइन करने पर इन नेताओं का लद्दाख के बीजेपी सांसद नामग्याल ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा पता चलता है कि केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के फैसले के लेह और कारगिल जिले सहित पूरा क्षेत्र खुश है। एनआरसी सूची में शामिल नहीं हो पाए जरूरतमंदों को असम सरकार देगी मुफ्त कानूनी सहायता। असम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को कहा है कि राष्ट्रीय नागरिक पंचांग की 31 अगस्त को प्रकाशित होने जा रही है। अंतिम सूची में जो जरूरतमंद लोग शामिल नहीं हो पाएंगे उन्हें सरकार मुफ्त में कानूनी सहायता मुहैया कराने के लिए जरूरी प्रतिबंध करेगी। असम के अतिरिक्त मुख्य सचिव कुमार संजय कृष्णा ने एक बयान में कहा है कि राष्ट्रीय नागरिक पंचांग सूची में जो लोग शामिल नहीं हो पाएंगे उन्हें तब तक किसी भी हालत में हिरासत में नहीं लिया जाएगा जब तक विदेशी न्यायाधिकरण उन्हें विदेशी नागरिक घोषित न कर दे। डर गया पाकिस्तान, बिलावल भुट्टो ने कहा कश्मीर छोड़ मुजफ्फराबाद पर ध्यान दो नहीं तो निकल जाएगा पीओके। पाकिस्तान पीपुल पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कश्मीर मामले पर प्रधानमंत्री इमरान खान को नाकाम बताया है। भुट्टो ने कहा है कि पाक अधिकृत कश्मीर भी हाथ से निकल जाएगा, हमें पीओके पर सोचना होगा। उन्होंने कहा है कि कश्मीर को छोड़कर के मुजफ्फराबाद बचाएं। पीपीपी चेयरमैन ने कहा है कि हमने भारत से कश्मीर छीनने की बात कहते थे लेकिन अब हालत यह हो गई है कि हमें मुजफ्फराबाद बचाने के लाले पड़ गए हैं। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर से इमरान खान और फौज पर तंज कसते हुए कहा है कि इमरान खान इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड पीएम है। सिलेक्टेड और सिलेक्टर से मुल्क की जनता अब जवाब मांग रही है। यूपी में अब योग से दिन की शुरुआत करेंगे सरकारी स्कूलों के छात्र, रोजाना 15 मिनट का होगा सेक्शन। उत्तर प्रदेश में सरकारी प्राइमरी स्कूल के छात्र अब अपने दिन की शुरुआत योग से करेंगे। प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने अधिकारियों को स्कूल के दैनिक कार्यक्रम में योग को तत्काल प्रभाव में शामिल करने का निर्देश दे दिया है। मंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करते हुए कहा है कि प्रदेश के सरकारी प्राइमरी स्कूल में लगभग 1.5 करोड़ छात्र स्कूल में सुबह की सभा के दौरान 15 मिनट के योग सत्र में भाग लेंगे। इसके अलावा छात्रों को स्कूल से घर जाने से पहले 15 मिनट की पीटी क्लास भी शामिल की जाएगी। बिहार के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों की नहीं बढ़ेगी सैलरी, सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज। बिहार के 3.5 लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने नियोजित शिक्षकों के रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने 10 मई के फैसले पर पुनर्विचार करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज की है। कहा जा रहा है कि इस फैसले का असर 3.5 लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षकों के भविष्य पर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि फैसले में कोई गलती नहीं है, इसीलिए इस पर कोई पुनर्विचार नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि इसी साल 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने नियोजित शिक्षकों को नियमित शिक्षकों के समान वेतन देने का आदेश देने से इनकार कर दिया था। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट के बिहार की ओर याचिका मंजूर कर दी थी जिसे सरकार ने अपना पूरा पक्ष रखा था। मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, 10 साल में 50 लाख हेक्टेयर बंजर जमीन को बनाई जाएगी उपजाऊ। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि केंद्र सरकार की योजना है कि वह अगले 10 साल में 50 लाख हेक्टेयर बंजर जमीन को खेती योग्य बनाएगी। इसमें करीबन 75 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने बताया कि भारत में 2 से 13 सितंबर तक संयुक्त राष्ट्र CCD COP14 होने वाला है। इस सम्मेलन में खराब जमीन को कैसे उपजाऊ बनाया जाए इस पर चर्चा की जाएगी। यहां कई देशों के वैज्ञानिक अपने अपने इनोवेशन को भी प्रदर्शित करेंगे। बंजर जमीन को खेती के योग्य
बनाए जाने के लिए केंद्र सरकार यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के साथ भी समझौता करेगी। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार नई दिल्ली डिक्लेरेशन में बनाए गए नियमों और कायदों कानून के अनुसार इस काम को आगे बढ़ाएगी। देहरादून के फास्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाया जाएगा। अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा दिल्ली का फिरोज शाह कोटला ग्राउंड मैदान। दिल्ली और जिला संघ क्रिकेट बोर्ड ने मंगलवार को फिरोज शाह कोटला ग्राउंड का नाम अपने पूर्व अध्यक्ष अरुण जेटली के नाम पर बदलने का फैसला किया है, जिसका शनिवार को निधन हो गया था। इस स्टेडियम को अब अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। इसका नामकरण 12 सितंबर को एक समारोह में किया जाएगा। इसमें एक स्टैंड का नाम भारतीय कप्तान विराट कोहली के नाम पर भी रखा जाएगा, जिसकी पूर्व में घोषणा की गई थी। व्हाट्सएप का नया फीचर अपडेट, यूजर्स अपने चेहरे का बना सकेंगे मेमोजी स्टिकर। व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए एक खास फीचर लाने की तैयारी में है। व्हाट्सएप जल्द ऐप में मेमोजी स्टिकर जोड़ने वाला है। वेब बीटा इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप अपने अगले बीटा अपडेट 2.9.90 वर्जन में मेमोजी स्टिकर पेश किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक यह फिलहाल स्टिकर सिर्फ उन्हीं यूजर्स को मिलेगा जो टेस्ट फ्लाइट बीटा प्रोग्राम का हिस्सा है। आपको बता दें कि फिलहाल ये सिर्फ ISO यूजर्स के लिए ही लॉन्च किया जाएगा। पीएम मोदी पर साध रहे थे निशाना, पर खुद ही फजीहत करा बैठे पाकिस्तानी सांसद। कश्मीर के मामले को लेकर के पाकिस्तान दुनिया भर के देशों से भारत के खिलाफ आवाज उठाने की मांग करता रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से लेकर के वहां के नेता और क्रिकेटर कश्मीर को लेकर के तरह तरह के बातें कर रहे हैं। इसी बीच कश्मीर मुद्दे को लेकर के भारत पर निशाना साधने के चक्कर में पाकिस्तान के सांसद और पूर्व मंत्री रहमान मलिक एक बड़ी गलती कर बैठे, जिसके बाद उनका सोशल मीडिया पर जमकर के फजीहत हुआ। ट्वीट के बाद लोगों ने सांसद रहमान मलिक को जमकर के ट्रोल किया और कहा, क्या यूनाइटेड और उनो गेम के बीच अंतर भी नहीं पता है उन्हें क्या। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों को दिया बड़ा तोहफा, पानी के बकाया बिल माफ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा है कि EFGH श्रेणी की 4 कॉलोनियों में रहने वाले उपभोक्ताओं के घरेलू मीटर अगर चालू हालत में है तो उनके पानी का बकाया बिल माफ कर दिया जाएगा। दिल्ली की कॉलोनियों में ए से लेकर के एच तक की श्रेणी बांट दिया गया है। अधिकारियों ने बताया है कि ए से डी श्रेणी की कॉलोनियों को मध्य और ऊपरी मध्य श्रेणी के आवासीय इलाके माने जाते हैं। ए श्रेणी की कॉलोनियों में महारानी बाग, चाणक्यपुरी और गोल्फ क्लिस की कॉलोनियां इसमें शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसी कॉलोनियों में रह रहे 10.5 लाख लोगों को इस कदम का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा है कि जिन उपभोक्ताओं के मीटर चालू हालत में है और पाए जाएंगे, या फिर जो लोग इस साल 30 नवंबर तक मीटर लगाएंगे, उनका विलंबित भुगतान भी माफ कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर को लेकर के मोदी कैबिनेट की बैठक आज, हो सकता है बड़े पैकेज का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज कैबिनेट की बैठक हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि बैठक जम्मू कश्मीर को लेकर के बड़ा ऐलान किया जा सकता है। माना जा रहा है कि मोदी सरकार जम्मू कश्मीर के लिए बड़े पैकेज का ऐलान कर सकती है। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में हालात समान करने के लिए कदम पर भी कैबिनेट की चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार तेज करने के लिए पैकेज का ऐलान किया जा सकता है। धरती की ओर बढ़ रही तबाही, क्या होगा 1908 जैसा हाल। ब्रह्मांड का एक क्षुद्रग्रह आने वाले समय में धरती के लिए मुसीबत साबित हो सकता है। इस क्षुद्रग्रह को 2000 QW7 नाम दिया गया है, जो तेज गति से धरती की ओर बढ़ रहा है। हालांकि यह धरती से टकरा सकता है या नहीं, इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन यह धरती से टकरा जाता है तो पूरी दुनिया में भारी तबाही का कारण बन सकता है। अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक यह एस्ट्रॉयड सिडनी हार्बर ब्रिज की लंबाई के बराबर है और पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। 23,100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह एस्ट्रॉयड 14 सितंबर को लगभग 5.3 मिलियन किलोमीटर की दूरी पार कर पृथ्वी से गुजरेगा। 2000 QW7 एस्ट्रॉयड धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी के करीबन 13.87 गुना ज्यादा दूरी से गुजरेगा। अब बिना वकील लड़ पाएंगे केस, 1 दिसंबर से ग्राहकों को मिलेंगे नए अधिकार। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 1 दिसंबर से लागू हो जाएगा। ग्राहकों को उनका अधिकार दिलाने वाले मध्यस्थता कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ई कॉमर्स गाइडलाइन दिसंबर से लागू हो जाएगी। आपको बता दें कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 संसद के दोनों सदनों में पास होने और राष्ट्रपति से मिले मंजूरी के बाद एक्ट बन जाएगा। नए बिल में ग्राहकों को बिना वकील के लड़ने का अधिकार मिलता है। RBI फंड के मामले में वित्त मंत्री बोली, अभी नहीं बता सकते हैं कहां इस्तेमाल करेंगे। राहुल गांधी के आरोपों पर किया पलटवार, भारतीय अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए RBI ने डिविडेंड और सरप्शन कोष के मद में 1,76,00,000 रुपए सरकार को ट्रांसफर करने का फैसला किया है। RBI से मिले फंड को लेकर के सवालों पर जवाब देने से भले ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बच रही हो, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस रकम से केंद्र सरकार जल शक्ति, पीएम आवास योजना, पीएम सड़क योजना, राष्ट्रीय राजमार्ग और रेल प्रोजेक्ट में लगाएगी, जिससे बाजार में पैसे का प्रवाह बढ़ेगा। क्या कश्मीर पर परमाणु युद्ध हो सकता है, पाकिस्तान में किसके पास है न्यूक्लियर बटन। 2 दशक हो चुके हैं जब पाकिस्तान ने एटम बम के परीक्षण का दावा किया था और तभी से पाकिस्तान बेवक्त एटम बम की गीदड़ भौंकी देता रहता है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से पाकिस्तान की बौखलाहट फिर एटम बम की गीदड़ भौंकी दे रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी देश की जनता को जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर संबोधित करते हुए भारत को परमाणु युद्ध की धमकी देते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान इस्लामाबाद से करीबन 1,000 किलोमीटर दूर पहाड़ियों में एटॉमिक टेस्ट का दावा करता रहा है। यह बलूचिस्तान की चगाई हिल्स का इलाका है। 1998 यानी 2 दशक पहले पाकिस्तान ने चगाई हिल्स पर इन्हीं इलाकों में पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट किया था।
आज का माइंड क्विज क्वेश्चन आ चुका है, वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। इसका सही सही आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, और यदि अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि देश दुनिया के सारी खबरों से रह सके अपडेट।